नाम से शुरू करने लगी है वीडियो, तो ये बनाने लगी हूँ मैं आज आलू मेथी की भुजिया। ये देखिए मैंने ये सारा तैयार कर लिया है। ये मेथी धो के काट के धो के रख लिए अच्छे से, ये आलू धो के काट लिए हैं, ये टमाटर दो काट लिए हैं, ये दो हरी मिर्चें रखी हैं, ये लहसुन अदरक और साबुत धनिया मैंने कूट के रखा है, ये मैंने प्याज काटा है। ये भी हम शुरू करते हैं। ऑयल डाल दिए, ऑयल के बाद ये जाएगा इसमें प्याज, एक मैंने दरमियाना से ले लिया था, काट लिया था। तो थोड़ा सा सोते करूंगी, उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक और मेथी डाल दूंगी ताकि अच्छे से भून के। ये देखें ये लहसुन अदरक जा रहा है इसके अंदर। ये जा रही है इसके अंदर, ये इसमें फ्राई भी हो जाएगी और उसका पानी जो है ना वो मैंने पीछे कर लिया, क्योंकि पानी से शुरू हो जाए तो इसका कड़वापन खत्म हो जाता है। देखिए इसका पानी खुशक हो गया मेथी का, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये मैंने आलू डाल दिए, ये मैंने डाल दिए टमाटर, ये मैंने लिए एक चम्मच मिर्च, आधा टीस्पून लिया मैंने पिसा धनिया, टीस्पून लिया नमक, टीस्पून लिया हल्दी, टीस्पून लिया मैंने जीरा, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी तरह इसको मैं भून लूंगी आलू गलने पे इसको निकाल। ये देखिए ये तैयार हो गई है, अब मैं इसको आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये इतना सा भाई 5-7 मिनट ही लगते हैं इसको बन जाती है। तीन ये भुजिया तैयार हो गई है, यही बस देखे 5-6 मिनट लगे हैं और ये बन गई। ये बहुत जल्दी बनती है, बस इसे बनाने में टाइम लगता है, बाकी कोई टाइम नहीं लगता। तो बड़े अच्छे से ये बना के खाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल तो ये मौसम में खाने में सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। चलें खुश रहें, शादोआबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर बीमारी से बचा के रखे परवरदिगार। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक रहें, मैं भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ठीक रहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। देखिए नाज़रीन ये आलू मेथी की भुजिया है, बड़े मज़े की, बहुत टेस्टी, बड़ी करारी बनी है। और मैं इसको कुछ नहीं, सादे से धो के फ्राई करके बना लेती हूँ, मैं कुछ नहीं करती इसको। तो ये जो मैंने पराठा बनाया लाल आटे का, ये लाल आटे का मैंने लच्छा पराठा बनाया साथ, इसके साथ खाएं बहुत मज़ा देगी, क्योंकि मैंने भी खाई है।